सरफेस फिल्म है कि सपोज करो आपके पास ये मॉलिक्यूल, ये लिक्विड है, ये लिक्विड पड़ा हुआ है रेस्ट पे, और इमेजिन करो इसमें जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं, टॉप मतलब ये टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो बिल्कुल टॉप सरफेस के ऊपर हैं, यहाँ पे लाई करते हैं। लेकिन कैसे डिसाइड किया मैंने कि टॉप के मॉलिक्यूल इतने ही होंगे, इससे नीचे भी तो हो सकते हैं, या सिर्फ ऊपर वाले क्यों नहीं लिए? मैं कहाँ तक कंसिडर करूँ कि टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं? तो आप क्या करें, सरफेस से लेके जितनी भी एक मॉलिक्यूल की रेंज होती है, रेंज 10^-9 मीटर, तो आप एक डिस्टेंस ले लें 10^-9 मीटर तक का, और जो जो मॉलिक्यूल इसके अंदर लाई करेंगे, इसके अंदर लाई करेंगे, हम क्या बोलेंगे, ये सरफेस फिल्म में लाई करते हैं, ये सब क्या है, सरफेस फिल्म का पार्ट है। तो सरफेस फिल्म वो टॉप की फिल्म है, वो टॉप की लेयर है जिसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, और वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस की वैल्यू है सरफेस से वो कितनी है, जितनी मॉलिक्यूल की रेंज है उतनी है। तो लिखा हुआ है इसमें सरफेस फिल्म ऑफ लिक्विड नियर इट्स सरफेस, क्योंकि नीचे नहीं होती, सरफेस के ऊपर होती है, हैविंग थिकनेस इक्वल टू क्या, मॉलिक्यूलर रेंज फॉर दैट लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। तो आपकी जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होगी, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सरफेस फिल्म का पार्ट होंगे। यही पार्ट क्लियर है? नेक्स्ट,